नमस्कार, राम राम दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पीड नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दो चार दिन से वीडियोस नहीं आ रहे हमारे चैनल पर, क्योंकि मैं अभी राजस्थान राज्य के पाली ज़िले में हूँ। पाली ज़िले में वहाँ पे भारत माता की सबसे बड़ी ऊंची 405 फीट की मूर्ति बनने जा रही है, वहाँ पे मैं हूँ दो चार दिन से। और दो दिन से वीडियो मैंने नहीं डाले तो उसके लिए सॉरी। EPS 95 पेंशनरों के लिए आज बहुत अच्छी एक सुबह सुबह अपडेट मिली, तो मैंने सोचा कि चलो है तो गाड़ी में, लेकिन फिर भी अपडेट दे देते हैं। तो अपडेट जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें सभी के साथ में। हम दोस्तों कैसी भी परिस्थिति में हो, हम आपके लिए वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं, आपके लिए हमेशा वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, EPS 95 पेंशनरों के लिए EPFO का फैसला ये था कि जिनको 1000 रुपये पेंशन मिल रही है उनको 3000 रुपये तक पेंशन दी जाएगी। हालांकि EPFO ने ये नहीं कहा कि इनके अलावा जो पेंशनर है, जिनको पेंशन 1500 मिल रही है, जिनको पेंशन 2000 रुपये 2500 रुपये मिल रही है, उनके लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया। सिर्फ ये बताया गया कि जिनकी पेंशन 1000 रुपये है उनको पेंशन 3000 रुपये मिलेगी। EPS 95 पेंशनरों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला एक बार और दाखिल हो सकता है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का वो फाइनल फैसला नहीं आएगा, अनुमानित और एक्सपर्ट और मीडिया के माध्यम से जानकारी के अनुसार हम आपको बताते हैं कि वो जो मामला है सुप्रीम कोर्ट का, वो मामला 1 दिसंबर तकरीबन सुना सकते हैं, आ सकते हैं। इसमें याचिका दायर की गई है दोस्तों। इस फैसले में EPFO के विरुद्ध, EPFO के एक साइड EPFO और दूसरी साइड सुप्रीम कोर्ट है, तो इसके विरुद्ध पेंशन अपने योगदान के अनुसार देने की बात पहले EPFO ने कही, तो इस पर अहम अमल फैसला ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब अंतिम निर्णय लेगा तो उसमें जब तक एकदम सही फैसला आएगा तब तक तो यही रहेगा कि पेंशनरों के पक्ष में ही फैसला आने वाला है। दोस्तों, मैं हमेशा सही और सटीक जानकारी होती है वही आपके साथ में साझा करता हूँ, इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। और आज जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ वहाँ पे भारत माता की सबसे बड़ी, हमारे देश भारत की सबसे ऊंची 405 फीट ऊंची भारत माता की मूर्ति का शिलान्यास है। मैं यहाँ पे पर्सनली इनवाइट था तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बाकी आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।